इसकी लेंथ मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि वो यूनिट लेंथ है, इस लाइन की लेंथ है, अज्यूम दैट इट्स अ यूनिट लेंथ, ऐसा हो सकता है यदि आपके पास यूनिट सर्कल ले रहे हैं तो यूनिट सर्कल ले रहे हैं सर्कल नहीं सर्कल नहीं मैं कह रहा हूँ यूनिट लेंथ ले रहा हूँ एक यूनिट बीटा और इस लाइन की जो लेंथ है वो यूनिट ले सकता हूँ लाइन की मैं साइड ड्रॉ करूँ जो कि एंगल बीटा बना रही है इस लाइन के साथ इन दो लाइंस की लेंथ क्या है डजंट मैटर देन ड्राइंग दीस टू लाइंस इन सच अ वे दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री ड्राइंग दिस एंगल दिस एंगल इन सच अ वे दैट दिस एंगल इज ठीक है Then याद कुछ भी मैंने क्या किया ड्राइंग ऑफ लाइन अनदर लाइन विद एंगल अल्फा एंड अनदर लाइन विद एंगल बीटा दिस फील ऑफ द यूनिट है नो दिस लाइक एंगल ट्रायंगल 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 ठीक है सो व्हाट आई लाइक टू डू नाउ इज टू आइडेंटिफाई सम ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स अच्छा जी इस एंगल के बारे में आप क्या कह सकते हैं ये एंगल क्या होगी इस एंगल के बारे में गेस कीजिए कैसे इफ इफ आई टेक दीज टू लाइंस एज पैरेलल लाइंस इफ आई दिस टेक दिस लाइन एज यू नो This line will be this tarah se. So if this line is making alpha plus beta angle, then this must be alpha plus beta. ठीक है. How about this angle only? इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि हर triangle में एक-एक angle मुझे known हो जाए ताकि फिर मैं इनकी right angleness इस्तेमाल कर सकूँ. इस angle के बारे में क्या कह सकते हैं? और फिर इन तीनों का सम क्या होना चाहिए 180 ये 90 है ये 90 माइनस अल्फा है तो 180 कब होगा जब ये अल्फा ठीक चॉइस नहीं ऐसे इसके पास कोई चॉइस नहीं बिकॉज इफ दिस इज 90 दिस इज अल्फा दिस हैज टू बी 90 माइनस अल्फा क्योंकि ये 90 माइनस अल्फा होगी तभी इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा ठीक है और अब ये मेरे पास अननोन है ये 90 माइनस अल्फा है ये 90 है तो इन तीनों का सम आई नो इट्स 180 डिग्री सो क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी दिस दिस मस्ट बी अल्फा अल्फा के अलावा कुछ और ठीक हो गया जी सो ये जो एक्स्ट्रा मैंने लिखी थी इसको मिटा देता हूँ इसकी जरूरत मुझे ठीक है
आप सिर्फ एक काम करें, कितने ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स, चारों के लिए डायमेंशंस लिखे हैं, यानी इनके हर लेंथ की मेजरमेंट कंप्यूट करें, अच्छे प्रूव योर व्हाट यू वांट, ठीक है। आते हैं इस ट्रायंगल की तरफ, फॉर एग्जांपल, अच्छा इसका मुझे पता है यूनिट, अगर ये यूनिट है तो इसकी लेंथ क्या होगी, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल कॉस, सो इफ आई टेक दिस एज एंगल, सो ये मेरे पास बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर, सो कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सो इट्स गोइंग टू बी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस आपके पास क्या है, आई डोंट नो, तो बेस है और हाइपोटेन्यूज क्या है, 1 है, तो इसका मतलब ये है कि बेस किसके बराबर है, इसका मतलब ये है कि ये जो भाई साहब है ये कॉस अल्फा प्लस बीटा, इज इट मेकिंग सेंस, ठीक है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, व्हाट यू कैन से अबाउट दिस साइड, आप ये कहेंगे जी आपके पास है एक व्हाट यू कॉल साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दिस मस्ट बी, सो दिस मस्ट बी साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक हो गया, अब आते हैं इस साइड की तरफ, अच्छा इस साइड की लेंथ क्या होगी बता सकते, क्या ठीक है ना, कंसीडर दिस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, और ये बीटा है, ये आपके पास हो जाएगी कॉस बीटा, कॉस बीटा इज ऑन बोथ साइड, ठीक है, और ये भाई साहब क्या आ जाएगा, साइन बीटा, ठीक हो गया, तरतीब यही रखनी है, इसको इसको डिस्कस करें, इसको डिस्कस करें, जब ये दो हो जाए उसके बाद फिर इस तरह का, ठीक हो गया जी, कास भी हो, अब मुझे ये बताइए विद दिस एंगल अल्फा इसकी साइज क्या होना चाहिए, देखें मैं ये कहता हूँ इस ट्रायंगल में आई एम टेकिंग फॉर एग्जांपल कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा क्या होगा, बेस जो मुझे नहीं पता क्या है और हाइपोटेन्यूज जो कि मुझे पता है कॉस बीटा है, ठीक है, कॉस अल्फा तो बेस की क्या वैल्यू मिल जाएगी, कॉस अल्फा इनटू कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, और ये मैं चाहता हूं ये क्या होगा, ये रहेगा साइन अल्फा, ठीक है, जैसे हाउ अबाउट दिस वन, इसकी तरफ आओ अगर, तो ये मेरे पास एंगल है, तो ये मेरे पास बेस है और ये परपेंडिकुलर, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, अच्छा सबसे पहले ये कि क्या मैं इस बीटा की मदद से इसकी लेंथ मैंने मालूम कर दी, साइन बीटा क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन बीटा, और आखिरी पार्ट ये है क्या होगा, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन बीटा, और हमने प्रूफ कर दिया दोनों को, सोचेंगे कैसे प्रूफ करेंगे, हैं ये किस वजह आ गया, साइन बीटा ये कहां से आ गया, हम ये कह रहे हैं कि देखें ये दो साइड जो है ना आपस में बराबर है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, साइन अल्फा प्लस बीटा, जबकि ये क्या है, इन दोनों ये दो पास का समय कॉस अल्फा साइन बीटा है, साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, अच्छा इसकी लेंथ क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये बराबर है इसके, ठीक है, तो अगर ये बराबर आ जाए इसके तो कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी,
हैं, ये पूरा इन दोनों के सम के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि cos अल्फा प्लस बीटा जो है वो इसमें से अगर आप ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको cos अल्फा प्लस बीटा मिलता है। सर ये कैसे पता चलेगा दोनों साइड्स बराबर है? कौन सी, क्यों सर दोनों साइड्स बराबर है? ये तो हमारा अजम्पशन है, ठीक है ना सर। ये कह रहा हूं कि जब मैं ये लाइन बना रहा था, जब मैं लाइन बना रहा था तो मैं कह रहा हूं कि ओके आई एम ड्राइंग अ लाइन व्हिच इज सेम हाइट एज दिस एक्चुअली, सो इट्स लाइक ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, इट्स लाइक ये दोनों पॉइंट्स किस पॉइंट की प्रोजेक्शन है, सो दिस लाइन हैज टू बी सेम। Drawing skills are very bad, but you can make it up. Yeah. It's a simple picture. Two things here. Take some length, make angle alpha, and make unit length beta. And then right angles and then right sides. It would be interesting to think that alpha minus beta ke liye kya formula hai. वैसे इसी पिक्चर से हम देख भी सकते हैं, ये समझ आया है सब लोगों को? विजन भाई ठीक है, मुश्किल तो नहीं? तो जेम्स टेंटन जो करता है इसी किस्म की चीजें, मजे मजे pictures speak. अगर माइनस का करना, थिंक अबाउट इट, अगर मैं इस पूरी एंगल को अल्फा कह दूं, पूरी एंगल अल्फा प्लस बीटा नहीं कहता बल्कि मैं अल्फा कह रहा हूं, ठीक है, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देता हूं एंगल, इसका नाम बीटा रख दूं, यही पूरी फिगर हो, ये पूरी एंगल अल्फा हो और ये जो अल्फा है इसका नाम मैं बीटा रख दूं, तो ये जो बाकी एंगल बचेगी ये क्या बचेगी? बस जस्ट टेक दैट एंड डू द सेम व्हाट यू आर डूइंग, प्रिसाइसली वही चीज करेंगे, कर दो पूरी एंगल को अल्फा ले लें, निचले पार्ट को बीटा ले लें, बाकी जो बचेगा अल्फा माइनस बीटा प्रिसाइसली सेम है। इज इट नेसेसरी? हां, इज इट नेसेसरी कि हम बीटा को माइनस बीटा ले लें एरिंडीज में? अपेरेंटली यहाँ से नजर ये आ रहा है कि आपने एंगल में इंक्रीमेंट किए हैं, इस पिक्चर में दैट इल्यूजन, इवन माइनस बीटा इज गोइंग टू बी टू मच, बट शुड बी ओके कि आप अल्फा प्लस बीटा, पूरी एंगल को आप अल्फा कह लें और जो निचला अल्फा है उसको आप बीटा कह लें, तो बाकी जो आपके पास बीटा होगा दैट विल बी योर अल्फा माइनस बीटा, and repeat the class wala yahan se tangent karna puchna padega, class wala yahan se follow kare kaun sa class ke liye I don't know, mera andaaza hai ki ye ho jana chahiye, maybe you need to make a new picture, maybe mera andaaza hai ho jana chahiye, I don't see it for maybe, theek hai ji, जब तब्दीली आएगी कि क्योंकि इसी पिक्चर में ये एंगल अल्फा बन जाए, तो सिर्फ छोटी मोटी सी तब्दीली आएंगी, बट रेस्ट इज ऑन दिस। एब्स्ट्रैक्शन समझ आ रही है? ये ऊपर से कुछ असर नहीं था, सो आई एम सेइंग दैट ओके टेक दिस बट एंड टेक दिस एंगल एज अल्फा, और इस अल्फा में से मैं रिमूव कर रहा हूँ बीटा, अगर ये टोटल अल्फा है, दिस होल इज अल्फा, देन व्हाट विल बी दिस इज गोइंग टू बी अल्फा माइनस एंड दिस सेम एक्चुअली देन वही चीज है, प्रिसाइसली सेम थिंग, सो दिस विल बी अल्फा माइनस बीटा, सिंस बीटा सो दिस मस्ट बी बीटा एज वेल, you have what? You have the
these inverse functions. Backward, whichever your value I think it was. So it's
like you know, we have pi by 2, but we need to subtract. So in other words, you can see that you take any value, very simple. Take any value. Take any value and see then its parallel value. You're going to see that you're going to get the same value after the. अच्छा इसके साथ मसला है यानी इसी पिक्चर को फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पिक्चर के इनवर्स की बात करूं जस्ट थिंक अबाउट लेट्स थिंक इन जनरल मैं ये कहता हूं मेरे पास एक फंक्शन है ठीक है सर इज दिस अ फंक्शन आई हैव दिस ग्राफ इज दिस अ फंक्शन क्यों है क्योंकि हर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए एक यूनिक वैल्यू ऑफ वाई हमें कहते इस फंक्शन का जो इनवर्स होगा ठीक है व्हाट वुड बी दैट यू नो इट्स जस्ट नथिंग जस्ट चेंज द लेबल्स एक्चुअली इट्स लाइक यू हैव दिस वाई एंड दिस एक्स थिंक अबाउट द पिक्चर अब देखें कि क्या हर एक्स के लिए एक वाई की वैल्यू मिल रही है अब भी है मैं कहूंगा अच्छा ये एक ऐसा फंक्शन है जो इन्वर्टेबल है इन्वर्ट कर सकते हैं फिजिकली भी इन्वर्ट ठीक है नाउ थिंक अबाउट दिस साइन फंक्शन साइन फंक्शन के साथ क्या है यू टेक एनी वैल्यू ऑफ एक्स ठीक है सो टेक एनी वैल्यू ऑफ एक्स यू गोना गेट वन वैल्यू ऑफ वाई सो व्हाट इज बट इसी को अगर इन्वर्ट कर दिया जाए तो इसने कि हॉरिजॉन्टली जा रहा है इसे वर्टिकली कर दिया जाए इन अदर वर्ड्स मैं ये कह रहा हूं कि यू नो सिर्फ लेबल एक्सिस तब्दील कर दें ये थीटा साइन एक्स साइन थीटा का ग्राफ है सो मेक दिस एज अ थीटा एंड दिस एज फॉर एग्जांपल साइन थीटा वुड दैट बी अ फंक्शन नॉट बी अ फंक्शन क्यों नहीं होगा जब ये यू है ठीक है जब ये यू है जब ये यू है तो ये फंक्शन है तो ये फंक्शन है बिकॉज हर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए आर गेटिंग अ यूनिक वैल्यू बट इफ आई पुट इट लाइक दैट इन्वर्ट करने का मतलब ये जस्ट रिप्लेस डोमेन्स एंड को डोमेन्स व्हाट आर यू गोना गेट so you're gonna get something like this. Is this a function? No. It's not a function. For one value of x, you're getting multiple values of one value of theta, you're getting multiple values of y. So it's not a function. इसके साथ मैं क्या करूं कि ये फंक्शन बन जाए? रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कितना रिस्ट्रिक्ट करूं? माइनस पाई वन टू अच्छा यहाँ से लेकर अगर ये चंक ले लूँ तो फंक्शन बन जाएगा इसको अगर ये फंक्शन बन जाए नहीं बनेगा बिकॉज स्टिल यू हैव कहाँ से कहाँ तक इंटरवल में है जिसकी लेंथ पाई है फिर वो कोई भी हो जीरो से पाई हो
माइनस पाए टू जीरो हो या माइनस पाए बाय टू टू पाए बाय टू हो या पाए से टू पाए हो यू आर सेफ एक्चुअली यू कैन सी दैट यू नॉट गोइंग टू रिपीट वैल्यूज फॉर वन वैल्यू ऑफ थीटा सो यू कैन से दैट ओके इस इंटरवल में जीरो से पाए माइनस पाए बाय टू टू पाए बाय टू ठीक है विद लेंथ पाए योर फंक्शन इज इनवर्टेड बिकॉज द वैल्यूज आर नॉट रिपीटेड तो तभी आप इसको कहते हैं कि ये प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यानी अगर मैं साइन थीटा को कंसीडर करूं फॉर एग्जांपल बिटवीन माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू ठीक है तो आई विल से दैट दिस इज अ प्रिंसिपल साइन एक्चुअली इट्स अ प्रिंसिपल साइन फंक्शन इसको प्रिंसिपल क्यों कर रहा हूं क्योंकि मैं इसको रिस्ट्रिक्ट भी कर रहा हूँ और ये इन्वर्ट कर रहा हूँ यानी मैं कहूँ कि अच्छा ये जो साइन है ना ठीक है ये जो साइन है ना सो आई एम टेकिंग वन चंक एंड आई एम सेइंग दैट बाकी सब उसी की कॉपी है यू टेक वन चंक ऑफ इट एंड बाकी सब जो है वो उसी की कॉपीज है अगेन एंड अगेन अगेन ठीक है ओके दिस इज समथिंग प्रिंसिपल एंड रेस्ट आप कॉपी हो और इस डोमेन में Invertible. You can talk about the inverse of the function. So, मेरा नुक्ता ये है कि आप इसी तरीके से बाकी जो trigonometric functions हैं इस level पर बच्चों को ये जरूर समझ होनी चाहिए कि भाई आपके जो sine, cos, tangent, sec, cosec और cot हैं ठीक है इन सब की domains क्या हैं इन सब की ranges क्या हैं ठीक है इनके पीरियड्स क्या है ये तीन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और इन्हीं छह आइडेंटिटीज के का प्रिंसिपल वर्जन क्या है यानी वो कौन सा इंटरवल है कि जहां उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है ठीक है एटलीस्ट आई कैन सी इन दिस बुक आई डोंट नो कि कौन सी बुक है पंजाब बुक की ये बड़ी अच्छी एक समरी बनी हुई है वन पेजर समरी शो एवरीथिंग इसकी समझ होनी चाहिए बच्चों को ठीक है सारी कैलकुलेशंस आएंगे अच्छी बात है पर एटलीस्ट दे शुड नो दिस कि ये अच्छा ठीक है फंक्शंस का इनकी डोमेन क्या होती है रेंज क्या होती है पीरियड क्या होता है वो कौन सा पार्ट है काइंड ऑफ जो प्रिंसिपल पार्ट है बाकी सब उसी की कॉपी है यू कॉलिंग इट प्रिंसिपल पार्ट बिकॉज ठीक है सो बिकॉज रेस्ट आर जस्ट कॉपीज ऑफ इट यानी एक पार्ट लिए और बाकी पे यू आर जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं For example, you take, you are taking tangent actually. So you have one principal part and rest is what? उसी की copies है. Sir, एक बात सामने नहीं आ रही है जो trigonometric functions हैं अभी, इनकी values कैसे ये मिलती हैं हमें? जैसे x बनाने में अगर रखा है और फिर values graph कैसे बनता है? ये graph बनाओ. हाँ, ये graph कैसे बनता है? अब ये graph आप बहुत सारे तरीकों से बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक जो बुक में तरीका बता रहा है वो बड़ा अच्छा मजे का तरीका बता रहा है वो कहता है कि आप क्या करें फॉर एग्जाम्पल आप जीरो से टू पाए तक जो ग्राफ बनाना चाहते हैं साइन का तो आप ठीक वो टेबल बना ले वो जो हमारे पास टिपिकल तरीका है कि अच्छा यहाँ रख दें एक्स और यहाँ रख दें साइन एक्स और यहाँ रख दें जीरो और यहाँ 30 60 90 अच्छा ठीक है ओके आप ये कह रहे हैं कि साइन जीरो जीरो क्यों है दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थिंक अबाउट इट क्यों होना चाहिए